मंत्री भी तो पढ़ो फिर, पुजारी बने हो, मंत्री नहीं पढ़ रहे हो आप। खासा पुल मेल खाती और लेनी वाली थी भी। इतनी चालाक जेठानी, इतनी चालाक सास भी किसी की नहीं होनी चाहिए। मैंने जो है गिट्टू देवी को सरप्राइज देना है। सरप्राइज में ये है कि 50 रुपया कद्दू होल और 200 रुपया और जी जिनकी खर्चे कर जा लीते हैं मैंने जान हुई। तो दगड़ियों मारती से मिल गया कुछ है, लेकिन ये बीरबल जो खींचड़ मतलब आ पाक जी ने पाक नहीं खाली खाली ने गए तो बात सच्ची से बाबा हो ये ना कौन ले गए नाना प्रकार का कमेंट कर देना यार। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार मौसम दिखा दीजिए, कितना सुहाना मौसम है, रुड़झुनी बर्फ लग रहा है और दिखो ला गाड़ी मणि पानी पड़ गया और हल्का हल्का जो है उधर दिखाओ, इधर नहीं उधर उधर दिखाओ दादा, देखो कितना प्यारा बन रखा है। हरिया हरिया हरी ने ऐसा कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है, वैसा ही हो रहा है इधर। सावन भी लग गया है और हरियाली भी छा गई है और हरियाली की बधाई मैंने आपको कल दे दी है। अब कुछ आज स्पेशल होने वाला है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सा सरप्राइज है, मैं वो पहले दिखाऊंगा आपको। कुछ है आज वो बताओ पहले। आज तुलस एकादश है, आज तुलस लगा नहा धोए बेरे मतलब कमन आने भी हूँ, मतलब एक दिन छोड़ बेर या मैन छोड़ बेर को मैन छोड़ बेर नला गली गली नहाने भी हूँ मतलब। तो आज जो नाल तुलस लगा और अब जो है सारे भगवान जो हैं उनको स्वर्ग लोग भेजा जाएगा। अब तुलसी माता की चलेगी कुछ महीने ना, तो इस वजह से आज से दिया बाती होगी तुलसी के ऊपर सुबह शाम। हाँ, इस ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है गिट्टू देवी से संपर्क करें जी। बाकी आप जाइए फिर स्कूल की तरफ। सुबह सुबह बूंदाबांदी हो गई है, 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई थी, आज काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है क्योंकि जो आसपास की घास हो रही है बहुत ज़्यादा, उस घास की वजह से बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत सारे मच्छर भी लग रहे हैं। तो आज सुबह सुबह काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो तुलसी एकादशी में अभी जो कार्यक्रम होगा वो मम्मी जी करेंगी क्योंकि मैंने नहाया नहीं है और मैं करूँगी भी नहीं, मतलब कि घर के सयाने लोग ही लगाते हैं ना, तो आमा का इस बार लगाने ऐसा नहीं हुआ बूबू के उससे, तो मम्मी जी लगाएंगी। तो दिखाएंगे आपको आगे को क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो चलते हैं, फिलहाल नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं क्योंकि इन्होंने स्कूल की तरफ जाना है, स्कूल तो नहीं है ट्यूशन वगैरह है, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरा नाश्ता भी रेडी हो चुका है और नाश्ते में मैंने जो चीज़ें बनाई हैं सबको खा के मचमची लगने वाली है क्योंकि सब ऑयली ऑयली वाला है। तो इसके लिए मैंने एक गिलास मट्ठा रखा है जो कि खाने के बाद खाऊंगी तो फिर मचमची कम लगेगी। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर बारिश की बूंदें भी आ रही हैं और फिर घर का बहुत सारा काम भी है, हो सकता है हमें खेत जाना पड़ सकता है क्योंकि बारिश के टाइम पे ना निलाई का काम भी शुरू हो जाता है। जैसे बारिश के टाइम पे रोपाई का काम शुरू होता है वैसे ही निलाई का काम भी बारिश में ही होता है क्योंकि खेतों को गीला करना पड़ता है और गीला करने के बाद तब जाके निलाई का काम शुरू होता है। यहाँ पर है दोस्तों तुलसी वृंदावन हमारा, तो मम्मी ने यहाँ पर मिट्टी डाल दी है और तुलसी के पौधे यहाँ पर को है, इनको मैं छूँगी नहीं क्योंकि मैंने नहाया नहीं है, तो मम्मी जी लगाएंगी यहाँ पे। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में खुशहाली सुख समृद्धि बनी रहती है और सांप कीड़े का भी डर नहीं रहता है। जी हाँ, सांप कीड़े का भी डर नहीं रहता है, जहाँ पे जिसके आंगन में भी तुलसी होती है वहाँ सांप कीड़ा नहीं आता है सब बोलते हैं। तो मम्मी जी तैयारी कर रही है यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाने की। मंत्री भी तो पढ़ो फिर, पुजारी बने हो, मंत्री नहीं पढ़ रहे हो आप। जय तुलसी माता की। पिछले बार से तुलसी कौन लगाता था मम्मी, इस बार आपकी बारी है अगली बार मैं लगाऊंगी तो तुलसी माता की पूजा पाठ भी कर ली है, दिया बाती अगरबत्ती घी नैवेद्य जो भी चढ़ाना था मम्मी ने चढ़ा दिया है। अब मम्मी करेंगी नाश्ता, उन्होंने नहाया पहले, उन्होंने पूजा पाठ करी अब वो नाश्ता करेंगी, मैं चाय बनाती हूँ। नहाया तो नहीं है, ठीक है तो लगा दिया, लगा दियो ठीक है। गुड मॉर्निंग हेला, कैसे हो? हो गई शुरू निलाई। पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे खेतों में, तो खेतों में तो पानी हो ही रखा है थोड़ा थोड़ा, अब उस साइड को हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं। हाँ, इस साइड को तो थोड़ा सा 6 फुट बदले है जहाँ उतर पर न हो यार। तो रोपाई के बाद ना नहरों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ना आजकल डेली डेली बारिश हो रही है, तो सिर्फ 2-3 दिनों से ही यहाँ बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से खेत सूखे हैं हमारे, वरना खेत में पानी तो रहता ही, थोड़ी सी तो नमी बनी रहती।
तो ना रास्ते भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं नहर वाले। इससे पहले जब रोपाई थी तब तो सुधार रखा था, उस टाइम पे घास ज़्यादा नहीं होती है ना। अब चौमास का टाइम आ गया तो आजकल सभी जगह घास ही घास हो रही है, तो नहर में भी ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है, तो चलने में भी डर लग रहा है। तो पानी तो बुला के ला गई हूँ नीचे को, अब देखो पानी आता है नहीं आता है। तब तक मैं खेत में जाती हूँ। ब्रेक करी पहले की स्मार्ट है व्यादी नहीं व्यादी स्मार्ट है क्या कुछ अभी तो स्मार्ट आ रही है स्मार्ट है ब्रियात ले है तो मैं तो हरी तीन अब वो मिला मैं हाल रुपया में तीन टेम्पर आएगी की पत्तुपा मैल हरी जब ने होना आई जगी तो यहाँ पर कुना निलाई का काम समाप्त हो चुका है और लोहागढ़ की ताई और मेरी जिठानी जी आई हैं। आज हम चार लोग हैं तो चार लोगों ने मिलके यहाँ पे निलाई करी। तो आजकल मैं नया काम सीख रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नया काम सीखने में इंटरेस्ट आता है, फिर कुछ टाइम बाद वो इंटरेस्ट गायब हो जाता है। जब काम सीखा जाता है ना उसके बाद फिर तू ही घर वाला हो जाता है, तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आजकल ठीक ही हो रहा है। तो बीच में हल्की सी बारिश भी आई थी तो मैं घर गई थी उस टाइम पर चाय बनाने के लिए। इन लोगों को चाय वाय भी पिला दिए मैंने और अब दूसरी साइड को जाते हैं, वहाँ से थोड़ा घास काटेंगे और वहाँ पे थोड़ा और नेलना है फिर चले जाएंगे। आज बड़े बड़े दो खेत ख़त्म कर दिए, मतलब एक खेत कल ख़त्म किया और एक आज कर दिया है। तो निलाई का काम आज पहली बार ही किया है, मतलब मैंने इस साल। वैसे तो मेरी शादी को दो तीन साल हो चुके हैं, आज तक मैं खेत में नहीं आई क्योंकि आज तक हम मार्केट में रहते थे। तो इसी बार हम घर पर हैं तो हम घर का सारा काम भी कर रहे हैं, जो काम नहीं आता है वो भी सीख रहे हैं, मतलब मम्मी सिखा रही हैं। चारों तरफ रुपए के खेत देखे ऐसा लग रहा है, देखे रहने का मन कर रहा है। अब बारिश के छींटे भी आ रहे हैं, मैं तो घर भी जा सकती हूँ क्योंकि बारिश में रेनकोट कम लाई हूँ, मतलब जो मेरे पास था वो भी घर ही छोड़ के आई हूँ, लाई नहीं मैं वापस। रेनकोट लेने के लिए तो घर गई थी, घर ही भूल के आई थी। खासा पुल मेल गाती और लेने वाली थी भी इतनी चालाक जेठानी, इतनी चालाक सास भी किसी की नहीं होनी चाहिए। तसले भिटो पे का चारी मजे की चारी है के है चारी आ बान के पोसे खाद भर गिद दिख रही थी नजर ने लगा यार उसी गले दो दो चारे ने रे। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ खेतों से घर और अभी टाइम हो रहा है 5, तो शाम के 5 बजे हैं। तो काफी ज्यादा ठंडा हो गया था, मैंने नहाया धोया और बारिश हो रही है सुबह से ही हल्की हल्की वाली, तो नहा धो के ना ज्यादा ठंडा हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान तक पापा की, कुछ सामान मंगा रखा है सब्जी वगैरह तो शाम के लिए उसको लेके आती हूँ। और फिर बारिश तेज होगी तो नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए टाइम से जाती हूँ लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। पापा ने मंगा रखा है कद्दू, तो आज कद्दू बनेगा, दो कद्दू मंगा रखे हैं तो इन्हीं को लेने के लिए दुकान तक गई। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ किचन में, थोड़ा सा मैंने जो है गीतू देवी को सरप्राइज देना है। सरप्राइज में ये है कि देवी जी का बर्थडे है कल, बर्थडे तो केक तो आप कल ही कटेगा शुभ अवसर पर। तो नानू नान मैं पेस्ट्री ला रही हूँ पेस्ट्री, और मैं दुई मोमबत्ती जगह भेरी बर्थडे बनाना सोच रही हूँ। अब मैं पहली मार्ची चाँ एल खुशबू पाला रही हूँ एल को ना किचन में माता श्री मंदिर में जा रहे हैं बादशाह बोले और गीतू देवी फरार से लबड़ी जाओ ना। तो दगड़ियों मार्ची से मिल गया कुछ हाँ, लेकिन ये बीरबल जो खिचड़ मतलब आग पाक जी ने पाक नहीं माज मर रहा था हाग जी आग हो ना, तो आग आग लगा दी मैं थोड़ा नहीं मणि आग एल बलो अब पाकल साग जाओ ना फरार जा आज ना नहीं ते चाना आई हूँ तई एक बार भीमत बैठ चाहे भोले बर्थडे से भी के पार्टी आती करम थी बर्थडे भी हो गयो खाना मेरे को कौन पड़ा ये खाने मेरे को कौन पड़ा ये जो पार्टी है रोज मेरा ना खाना हरा मौका मिले मतलब मैं जीव तो बाजार गुजुर खान जी बता क्या खाने रहे हैं की शुद्ध देसी सब्जी बना रही हूं खाए ना ही कद्दू पापा ने मंगाया था एक तो दिगो हा पाका मिली एक तो कीड़े पड़े थे सही था अच्छा तो बरसात में कीड़े इत्यादि पड़ते हैं तो ध्यान दीजिए आप लोग ना मैंने लगे हैं बाजार से आए हैं बाजार में कति न कति को किसान दादा ले ही रही हो लो नहीं मुझसे कहते हैं नहीं जा बाजार सब्जी लेके आ नहीं दी थे वो सड़ा पड़ा ही लाएगा तई भी तय मैं तो 50 रुपया कद्दू हो लो और 200 रुपया और चीज इनकी खर्चा कर दिया लीते हैं मैंने जान लो ही तई भी तय यहाँ देखो जरा कैमरे में देखो
ना ना के नहीं कहते जैसे वल्ला पल्ला की क्या कुना उज्जला की कुना जैसे 50 रुपया सब्जी लिउन हो बाद नाना प्रकार चीज आज पूजा दे सड़ी पड़ी अपन दिन भूल के बनेगा पता उफ आहा ना नाक लगा लगो पर डालो सुन पड़े मेरे बुबू हमेशा नाक में ऐसे खुशबू जब खाना नाक में के नाखल के और चीज ना हाली तो डाल में की कहाँ ले बैगन आज आ तमारा खान जानी भ्या मन खानु मेरे मौ नहीं खानी को हो कहाँ लगी तू अनियार में क्या कर लेने मेरे कहीं होना चाहिए तेरे में लटेली है अब जरूरी नहीं बोल टैलेंट नहीं भी होई दस जा दियो उसर रशार और भदोग रशार बहुत रियर मिलन मालूम जी कभी बैठ के दिखाना फिर यहाँ चैत के महीने में बैसाख के महीने में उस टाइम कहो पूछा मैंने के नहीं बहला जड़ा दिन ब्याह उधर ही ना ना प्रकार व्यंजन पकाल भाई उधर अपन आग पौर रुनी हो गर्मी में आपको बैठन तक हाँ तो माँ चीज खाना जाइए दया जी खाली खाली ने गए तो बात सच्ची से बाबा हो ये ना कौन ले गए नाना प्रकार का कमेंट कर देना यार आ माँ जी तुम्हारा का आप बिल पीले शुरू करे जी मैं तो उम्री बिल भी इंछा गए मैंने कहियो ने बिल इंछा गए मैंने कहियो ने मैंने कब कहा बीड़ पी रहे हो ना ना ले जा रहा हूँ जैसे उद्देश्य उद्देश्य मेरे नेक है लेकिन आपको अभी इस चीज का पता नहीं चलेगा तो मैंने तो बोला ही नहीं मेरे मुझको निकला ही नहीं वीडियो एडिटिंग तेरी खास नहीं होती हम अपने आप करेंगे आप देखते हो भी कितना खास बनाते हो खास ही गिले हूँ लेकिन आज चेनी दी जा रहा हूँ फसक दिया तुमने और बताया भी नहीं अटैल ने तो नहीं आई सब्जी और खाने के लिए फर्स्ट नंबर वन लुन्नी तही जी तो मैंने तो देखा ही नहीं फिर खाते हुए अब खाने को दिखूंगा उसे छोड़ क्यों नहीं दिखाना हुआ खाने में मुझे का नजर लाई भरी जा रही हूँ बाह नजर तेरे क्लाइमेट ला हाँ बाल चुला दिया उचाड़ भेरी क्या काम है जय नजर लग रहे होली अब कॉल में मैं तेरे नजर लगा हाँ पंद्रह डाल दियो कहाँ हाँ बाल चुल भी दे क्यों बोलते जी नजर नहीं लगती वो होता है बल नजर हट जाती है बल तो दगड़ियों इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट और मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल कल कुछ स्पेशल है जो आपको व्लॉग में दिखेगा तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहो मेरे 40K सब्सक्राइबर हो चुके हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि 40,000 की यूट्यूब फैमिली कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है भाई होना चाहिए मतलब मुझे खुशी हुई क्योंकि लाइफ में बहुत संघर्ष होता है तो मैं घुजी के यहाँ तक पहुँची मतलब 40,000 हो रखे हैं तो 10,000 और चाहिए मेरे 50 के हो जाएंगे उसके बाद मेरे सीधे डायरेक्ट 1,00,000 वाह कितनी खुशी होती है ना जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं लिफ्ट मिलने वाली होगी ना तुझे लिफ्ट नहीं भी मिलेगी तो जब भी होंगे धीरे धीरे होंगे तभी संघर्ष भी तो अचानक से खुशी आना भी अच्छा नहीं होता है ना जब धीरे 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 आगे बढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसी के साथ आप लोग भी स्वस्थ रहो मस्त रहो और खुश रहो बाय बाय।